नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। भारत में चर्चित तमाम मुद्दों के बीच तीन तलाक को भी लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए जा रहे तमाम प्रयासों के बाद भी तीन तलाक का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं बहराइच के रुपैढ़िया क्षेत्र में, जहाँ एक महिला को उसके पति ने तीन तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। भारत में चर्चित तमाम मुद्दों के बीच तीन तलाक को लेकर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए जा रहे तमाम प्रयासों के बाद भी तीन तलाक का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी मानसिक रूप से ग्रस्त लोगों द्वारा तलाक को लेकर कोड़ में खाद जैसा बर्ताव करने से भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। हाल ही में बहराइच जिले में तलाक को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें पति द्वारा तीन बार तलाक 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 कहकर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, जो वर्तमान सरकार द्वारा हाल ही में तीन तलाक पर बनाए गए कानून के मुंह पर एक जोरदार तमाचे के रूप में भी देखा जा रहा है। ताजा मामला बहराइच जनपद की एक महिला का है, जिसका विवाह मल्हीपुर थाना श्रावस्ती में हुआ था। आपको बता दें कि थाना मल्हीपुर अंतर्गत बगमरी के निवासी शमशेर पुत्र गुलफाम का निकाह जब्बार खान की बेटी सजरुन्निसा के साथ हुआ था। सजरुन्निसा रामपुर जैता थाना रुपैढ़िया जनपद बहराइच की रहने वाली थी, जिससे इनका निकाह 14 वर्ष पूर्व हुआ था। निकाह होने के बाद से ही ससुराल वाले दहेज व संतान न होने को लेकर हमेशा ताना व मारपीट करते रहते थे, पर पिता व भाई के बार बार समझाने पर मामला शांत हो जाता था। अब की बार तो हद ही पार हो गई, जब शौहर शमशेर खान दूसरा विवाह कर सजरुन्निसा को तीन तलाक बोलकर उसकी हस्ती खेलती जिंदगी में जहर घोल दिया। साथ ही सरकार द्वारा बनाए गए ट्रिपल तलाक पर कानून को चुनौती भी दे डाली। आपको बताते चले कि श्रावस्ती में ट्रिपल तलाक कोई नया मामला नहीं है। अभी हफ्ता भर भी नहीं गुजरा था कि एक शौहर ने अपनी पत्नी को फोन पर ही ट्रिपल तलाक दे दिया, पर पत्नी के नाम मानने पर उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या श्रावस्ती में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है? हफ्ते भर के अंदर जनपद में ट्रिपल तलाक के दो मामले आने से कानून व्यवस्था का माखौल उड़ गया है। क्या नाम है आपका? सजरुन्निसा। आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम है जब्बर खान। कहाँ रहती हैं आप? रामपुर। अच्छा, आपकी शादी कहाँ हुई थी? मेरी शादी हुई थी बगमरी। क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का नाम है शमशेर खान। आपके ससुर का क्या नाम है? मेरे ससुर का नाम है जुम्मन खान। क्या मामला है? कुछ तलाक का मामला सुनने में आ रहा है। हाँ, मामला तलाक का, वो मेरे को तलाक दे दिया है, साथ में ट्रिपल तलाक बोल दिया है मुझे, और उसके बाद मेरे को धोखे से ला के यहाँ घर पे, मुझे फिर घर पे मेरे माँ के इधर छोड़ दिया। फिर उसके बाद में दो तीन बार मैं गई हूँ तो उन लोग ने मार गाली दे के मुझे घर से ही निकाल दिए। फिर उसके बाद में फिर निकाल दिए, फिर मेरे घर पे कोई नहीं था, ना मेरे भाई लोग थे ना कोई, खाली मेरा बाप था। मेरा बाप क्या करता, अकेले मेरा बाप पड़ गया। मेरा बाप को इतना उन लोग ने आके आया के तीन बार उन लोग आए, तीनों बार मेरा बाप ने भेज दिया, तीनों बार उनने मेरे को घर से बाहर गाड़ी में जबरदस्ती खींच खींच के ने जबरदस्ती से निकाल दिया घर से मेरे को। फिर अच्छा, प्रताड़ित भी करता है आपको, परेशान भी करता है? परेशान मेरे को दो साल से बहुत ही परेशान किया है मुझे। कुछ पैसे वैसे की डिमांड भी करता है? पैसे का मेरे भाई ने, मैं पैसा जमा करवाई थी अपने भाई से, वो 22,000 जमा कराई थी, 22 के बजाय जो 50,000 रुपया मैंने अपने हाथ से गिनती करके खुद दी हूँ। अभी वो बोल रहा है मेरे, तू अभी मेरे को 1.5 लाख रुपया तेरे भाई के पास निकल रहा है, मेरे को दिला पैसा, अगर नहीं दिलाएगा तो इसी पे देख मैं क्या क्या करता हूँ। इसीलिए
लिया वो सब पूरा कर दिया मेरे साथ में। अच्छा, पैसा के चक्कर में कि आपको उसने तलाक दे दिया, कुछ और भी कारण था? हाँ कारण था, वो बाजू में लड़की रहती थी, वो लड़की के चक्कर में पड़ के मेरे साथ में ऐसा किया है। अच्छा, वो लड़की के साथ में शादी भी कर लिया है और अभी उन लोग ने बगमरी में ही है। तो आप यहाँ बगमरी में रहती थी या सुनने में आ रहा आप कहीं और बाहर रहती थी? हाँ मैं बम्बई में रहती थी। तलाक आपका वहीं हुआ है यहाँ? नहीं तलाक यहाँ दिया मुझे, वहाँ से धोखे से ला के यहाँ घर पे तलाक दिया है। अच्छा आप इसकी तहरीर लेके पुलिस के पास गई? हाँ पुलिस गई तो वहाँ मैं बोली, वो पुलिस लोग पूछे कि आप क्या चाहती हो, जाना चाहती हो कि नहीं, तो मैं बोली कि जाना तो चाहती हूँ लेकिन उसके लिए मेरे को कुछ ना हिस्सा या कुछ मतलब दिलाओ तो मैं जाऊँगी। तो उन लोग ने बोले यहाँ से कुछ नहीं होएगा, थाने से तुम्हें जाना पड़ेगा डायरेक्ट कोर्ट पर जाना पड़ेगा, वहाँ से जो कुछ होएगा वहीं पर होएगा, मेरे यहाँ से कुछ होएगा ही नहीं। फिर हम लोग ने रुपये भी गए वहाँ भी थाने में बोल दिया कि यहाँ से कुछ होएगा नहीं, जहाँ वहाँ पे जाना मल्लीपुर वहाँ से सब कुछ होएगा, यहाँ से कुछ होएगा नहीं। यहाँ भी नहीं सुनवाई हुआ और ना वहाँ भी सुनवाई हुआ। आपने देखा भी पीड़िता ने क्या समस्याएं बताई। अब हमारे बगल में पीड़िता के पिता भी मौजूद हैं, आइए जानते हैं पूरा क्या है मामला, उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? जब्बर खान भैया। अच्छा आपकी पुत्री का तलाक हुआ है ऐसा सुनने में आ रहा है, क्या है मामला? मामला यह है दूसरे चक्कर में पड़ गया, कई दिन तब कहा करी भैया। क्या नाम है आपकी लड़की का? राजरूर निशा। आपके दामाद का क्या नाम है? उनका नाम शमशेर हुआ, नाव धरिया है बम्बई शमशेर और यहाँ गुला नाव है। अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं आपके दामाद? बम्बई। कितने साल पहले आपने अपनी लड़की का विवाह किया था? अरे 14-15 साल ले हुआ भैया विवाह हुआ। अब आके तलाक दिया है? हाँ। कुछ कारण बताया क्यों तलाक दे दिया? हाँ अभी वही दूसरे चक्कर में पड़ गया बिटिया, क्या तो कही दी। पति ने अपनी पत्नी को 3 तलाक देकर उसकी हस्ती खेलती जिंदगी में जहर घोल दिया। साथ ही सरकार द्वारा बनाए गए 3 तलाक के नए कानून को चुनौती भी दे डाली। कैमरा पर्सन दानिश मलिक के साथ अमित मदेशिया, रुपेडिया, बहराइच। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।